नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। शहडोल जिले के धनपुरी थाना अंतर्गत गुरुवार की शाम 24 वर्षीय युवक अलवर राजा उर्फ सोनू पिता लहबिदा मिस्त्री की लाश मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस के हाथ लगी। हत्यारों ने लाश को SECL की बंद हो चुकी कोयला खदान के पानी से भरे खाई नुमा गड्ढे में फेंक दिया था। बोरी में आधी बंद अधजली लाश को जब पुलिस ने बाहर निकाला तो हर किसी के होश उड़ गए। घटना के बाद जब पुलिस जांच में जुटी तो ऑफ रिकॉर्ड जो कहानी सामने आई वह हत्यारों की गंदी मानसिकता और उनके बहसीपन को दर्शाती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशन में तीनों थानों की पुलिस टीम लाश मिलने के 24 घंटों के भीतर ही आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन घटना से जुड़े दर्जन भर लोगों और उनके द्वारा यत्र तत्र किए गए साक्ष्यों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने इस संदर्भ में बताया कि कुछ आरोपियों तक पहुंचा जा चुका है, लेकिन अभी कुछ साक्ष्य बाकी हैं जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आप वो वहाँ वाला एक में कर लो और ये टुकड़े जो इधर उधर पड़े वो एक में कर लो, ठीक है जी। वहाँ वाला एक में कर लो जी। भैया एक पन्नी इधर दे दो, इधर से बटोर लेता हूँ। हाँ ये लो, दे दो ना। उठा के ले गए जो बच्चे चला गए। बड़ा गिलहर कांटा है। हाँ आइए सर, इमली कांटा है। अरे लग गया क्या? चलिए चलिए आप पकड़ते हैं। सोनू उर्फ अरबाज नामक एक व्यक्ति की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई थी थाना धर्मपुरी में। उसके बाद में एक अज्ञात शव प्राप्त होने के बाद जब अज्ञात शव और इस गुमशुदगी दोनों का मिलान किया गया तो एक ही घटना की तरफ ने इशारा किया, जिसमें सोनू उर्फ अरबाज की चार लोगों ने मिलकर हत्या कर दी गोली मारकर। उसके बाद उसके बॉडी को जलाने की कोशिश की गई और जब जल नहीं सकी बॉडी तो उसे पानी में डालकर डिस्पोज ऑफ करने के प्रयास किया गया। इसमें हत्यारे अमित कोरी, आकाश सेन और असलम उर्फ मंजा और रहमान, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार और वाहन और जो रक्त रंजित कपड़े और मृतक का मोबाइल जब्त किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।